उधर अंबाला से बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां कैंट सिविल अस्पताल में मॉकड्रिल का आयोजन हुआ। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने तैयारियां परखी हैं। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट है, कहना है स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का। विभाग के आला अधिकारी भी मौजूद रहे इस मॉकड्रिल के मौके पर। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट है। आपको बता दें, इससे पहले ही हरियाणा में कुछ नियम जरूर लागू किए गए हैं। अगर ज्यादा भीड़ कार्यक्रम में होती है 100 के आसपास, तो मास्क लगाना जरूरी रखा गया है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने हालिया दिनों में कहा भी था। और अब जिस तरह से आज देशव्यापी मॉकड्रिल का आयोजन हो रहा है, तमाम अस्पतालों में सुविधाओं को देखा जा रहा है, तैयारियां किस प्रकार की हैं, अगर खुदा न खास्ता हालात बिगड़ते हैं आने वाले समय में कोरोना को लेकर, उन तमाम चीजों को परखा जा रहा है। तस्वीरें देखिए, खुद स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज तैयारियों का जायजा लेते हुए। दरअसल आज देश भर में मॉकड्रिल का आयोजन हो रहा है। कोरोना की अगर हम बात करें तो केसेस बढ़ रहे हैं। 428 नए केस सामने आए हैं बीते 24 घंटे में, और इसकी रफ्तार बढ़ रही है, जो कहीं ना कहीं अब चिंताएं बढ़ा रहा है। हालांकि दूसरी तरफ अगर बात करें सुविधाओं को लेकर, स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरह से मौजूद हैं, विभाग अलर्ट है। खुद स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का कहना है, हरियाणा में कोरोना संक्रमण का जो ग्राफ है वो ऊपर जा रहा है। हालांकि अभी भी वैज्ञानिकों का कहना है, जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि लोगों को घबराने की नहीं बल्कि अलर्ट रहने की जरूरत है। और गुरुग्राम से हमारे सहयोगी आकाश खुराना हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत और ताजा अपडेट्स के लिए। आकाश, अगर देखा जाए जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, न सिर्फ देश बल्कि हरियाणा में भी अब लगातार मामले एक के बाद एक बढ़ते ही नजर आ रहे हैं, इन तमाम बढ़ते केसेस के बीच जो आज देशव्यापी मॉकड्रिल का आयोजन हो रहा है, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? जी बिल्कुल, जो देश के अलग अलग हिस्सों में जो है आज मॉकड्रिल की जा रही है, तो वहीं किसी कड़ी में आज गुरुग्राम में भी तीन जगहों पर जो है मॉकड्रिल की तैयारियां जो है वो की गई थी। और आपको बता दें कि गुरुग्राम में ESI अस्पताल में और साथ ही साथ SGT यूनिवर्सिटी में और सिविल अस्पताल में जो है मॉकड्रिल किया गया। तो जिस तरीके से कोरोना से किस तरीके से निपटा जाए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। गुरुग्राम में अगर पिछले 24 घंटे में बात करें तो पिछले 24 घंटे में 200 नए कोरोना के जो मामले हैं वो सामने आए हैं, और वहीं अब जो एक्टिव केस हैं गुरुग्राम में वो 800 से पार हो चुके हैं। तो ऐसे में सुबह 10 बजे ही जो ये मॉकड्रिल है वो शुरू की गई थी, और जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव जो है ESI अस्पताल में जो है पहुंचे और वहां पर जो है जायजा लिया, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया था कि कोरोना की पहली वेव में दूसरी वेव में जो ऑक्सीजन की कमी हुई थी जिससे काफी मरीजों की जो है जान गई थी, लेकिन अब जो ये मॉकड्रिल 2 दिन जो है की जा रही है, आज और कल गुरुग्राम में 3 जगहों पर, तो इसी को देखते हुए, स्वास्थ्य सेवाओं को देखते हुए, अस्पताल क्या पूरी तरीके से उपलब्ध हैं, ऑक्सीजन को देखते हुए, तो ऐसे में तमाम हालांकि जिस तरीके से जो मामले गुरुग्राम में लगातार बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की चिंता जरूर उससे बढ़ रही है। लेकिन और सरकार का भी आदेश है कि 100 से ज्यादा जो जगह पर जो है गैदरिंग जहां पर होगी वहां पे मास्क लगाना भी अब अनिवार्य है। तो फिलहाल आज जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने भी ये साफ कर दिया है कि एक अब, लेकिन आकाश मॉकड्रिल के दौरान जो तैयारियां परखी गई हैं DC की ओर से गुरुग्राम के अलग अलग अस्पतालों में, उसमें क्या कुछ तस्वीर देखने के लिए मिली? जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो कितनी पुख्ता हैं अगर हालात बिगड़ते हैं तो? बिल्कुल, साफ तौर पर जिस तरीके से पहले निशांत कुमार यादव ने ESI अस्पताल में निरीक्षण किया, वहां का जो है जायजा लिया, उसके बाद मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि जिस तरीके से पहली और दूसरी वेव में देखा गया था कि कोरोना के चल जो ऑक्सीजन की कमी है जिसके चलते काफी मरीजों की जो है जान गई, लेकिन अब जो है स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन जो है इसको लेकर पूरी तरीके से सतर्क है, और इसी कड़ी में जो है 2 दिन का आयोजन मॉकड्रिल का गुरुग्राम में किया गया है, जिसको लेकर आज गुरुग्राम के CMO वीरेंद्र यादव और जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव दोनों ही साथ में मौजूद रहे, और साथ ही साथ जो स्वास्थ्य सुविधाएं, बेड की बात की जाए या ऑक्सीजन की बात की जाए, साथ साथ PPE किट की बात की जाए, लेकिन आपको बता दूं कि गुरुग्राम में 1 अप्रैल से वैक्सीनेशन जो है वो रुका हुआ है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का ये कहना है कि उन्होंने जो है नोटिस आगे भेज दिया गया है, जिससे कि जो मरीज हैं जो वैक्सीन लगवाने स्वास्थ्य केंद्र पर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं वापस लौट रहे हैं। तो लेकिन और दूसरी तरफ जिस तरीके से कोरोना के जो मामले हैं वो भी दूसरी तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि अप्रैल के पहले सप्ताह की बात करें तो 150 से लेके अब 200 तक जो है ये कोरोना के मामले आने लग गए हैं। जी आकाश, पब्लिक गैदरिंग में मास्क लगाना अनिवार्य
निश्चित तौर पर अब बहुत जल्द हो जाएगा, क्योंकि पहले ही 100 लोगों के इकट्ठा होने पर मास्क अनिवार्य कर दिया गया। खुद स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी कहा था। अब चूंकि गुरुग्राम एक बड़ा शहर है जहां पर लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए आते हैं, काम ढूंढने के लिए आते हैं, और बड़ी संख्या में गुरुग्राम का लोग दौरा करते हैं, अगर हालातों को देखें और लोगों में जागरूकता का अगर हम अंदाजा लगाने का प्रयास करें, तो किस तरह का अभी जागरूकता लोगों में दिखाई दे रही है? चूंकि पहले भी कोरोना की कई लहरें लोग अब देख चुके हैं, मास्क को लेकर किस तरह की सावधानी लोग बरत रहे हैं? जी बिल्कुल, साफ तौर पर जगतर टीवी की टीम ने जो है अभी जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव से ये सवाल भी किया था कि जिस तरीके से सरकार के आदेश के बाद जिस तरीके से 100 से ज्यादा जहां पर लोग एकत्रित होंगे वहां पर मास्क अनिवार्य कर दिया है, लेकिन भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जिस तरीके से लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, चाहे बात करें गुरुग्राम के सदर बाजार की, बस स्टैंड की, मॉल्स की, या मेट्रो स्टेशन की या रेलवे स्टेशन की, तो वहां पर अभी भी लोग जो है कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहे हैं। और बिल्कुल आकाश, और इसी लापरवाही पर कहीं ना कहीं रोक लगाने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से मामले एक के बाद एक बढ़ते जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंता की बात है। आप बने रहिए हमारे साथ। जींद से परमजीत भी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ लाइव। परमजीत, जींद का हाल बताएं, आज मॉकड्रिल देश भर में हो रहा है कोरोना के बदलते हालातों को लेकर, जींद में किस तरह की तस्वीर दिखाई दी है मॉकड्रिल के वक्त? बिल्कुल, देखिए गौतम, मैं आपको बताऊं, जींद स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल अलर्ट नहीं है, मैं आपको बताऊं, हालांकि पूरा हार्ट अलर्ट है कोविड को लेकर, लेकिन कुछ घंटे पहले जो हमने तस्वीरें दिखाई थी, तो जो मरीज वहां पे आए हैं वैसे ही घूम रहे, कोई मास्क नहीं, कोई सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहा, किसी जो है सैनिटाइजर से हाथ नहीं धोए, वो लगातार जो तस्वीरें ये बयां कर रही है कि जो जींद का सिविल हॉस्पिटल है, हालांकि तो दो घंटे पहले तस्वीर कुछ और दिखाई थी, लेकिन अब जो मॉकड्रिल चल रहा है तो लोगों को जो जागरूकता गया है, डॉक्टरों को सख्त हिदायत दी है कि आप अगर कोविड ज्यादा फैलता है, इलाज करना है मरीज का, तो एम्बुलेंस से वो गाँव के मरीज को लेके आए, उसके बाद जो है जो कोविड 19 वार्ड बनाए गए हैं वहाँ पे मरीज को रखा जाएगा, और अगर ज्यादा जो है दिक्कत आती है तो उसको जो है जो सुविधा है वहाँ पे जो बोली जो सुविधा है वो दी जाएगी। मैं आपको बताऊं, अलग से ब्लू कॉर्नर बना दिया गया है, हर रोज जो है 500 से ज्यादा सैंपलिंग की जाती है लोगों की, लेकिन लोग अब की बार कोरोना को बिल्कुल जो है हल्के में ले रहे हैं, क्योंकि 21 का दौर हमने देखा था कि लगातार जिन जिले के अंदर जो जिस प्रकार से जो मौत का आंकड़ा था वो लगातार बढ़ रहा था, तो कोविड के 19 के केसों की संख्या भी बढ़ी थी, ऑक्सीजन नहीं थी। हालांकि देखिए एक और गौतम, मैं आपको बात बताऊं, लापरवाही जरूर स्वास्थ्य विभाग की सामने आई है। अभी तक जो है जो ऑक्सीजन प्लांट जरूर लगाया गया, ऐसे नाम का प्लांट है वो चल तो रहा ही नहीं, अगर बाय द वे कुछ हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं कि ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो फिर कैसे होगा? करीबन ये जो दिक्कत है काफी दिनों से है, और कई बार उसकी सर्विस भी करा चुके हैं, डॉक्टर बोल रहे हैं कि होगा, आखिर कब होगा ये? क्योंकि कोविड के जो लगातार केस है उनमें बढ़ोतरी हुई है, आज भी जिंद में 16 केस नहीं आई है, 27 किसों की एक्टिव टोटल संख्या हो गई है, और स्वास्थ्य विभाग जो है वैसे पूरा अलर्ट मोड पर है। जिंद के जो सीएमओ हमंत परमजीत, स्वास्थ्य विभाग अगर हम बात करें जिला स्तर पर, जींद में बात करें, तो स्वास्थ्य विभाग आखिरकार जिस तरह से जो मामले बढ़ रहे हैं, हाल के दिनों में जो मामले बढ़े हैं उसे किस तरह से देख रहा है, और लोगों को जागरूक करने के लिए क्या कोई दोबारा से कदम उठाए जा रहे हैं? गौतम, देखिए ये लोगों की लापरवाही का नतीजा है कि जो केस में बढ़ोतरी हुई है लगातार, क्योंकि जो मरीज दवाई लेने के लिए आते हैं वो कोई मास्क नहीं लगाते, लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, डॉक्टर की बात करें तो खुद डॉक्टर भी मास्क नहीं लगाते, और दूसरी बात जो स्टाफ है वो खुद मास्क नहीं लगाते, तो पहले स्वास्थ्य विभाग को जो है खुद मास्क लगाना चाहिए और उसके बाद जो है लोगों को जागरूक करना चाहिए। लेकिन अभी मैं कुछ दिखाऊं आपको बताऊं, जो सिविल हॉस्पिटल में है जो स्टाफ है वो बिल्कुल मास्क नहीं लगाता, अगर हम पूछते हैं मास्क क्यों लगाया, कहते हैं कि अभी तो ड्यूटी से आए हैं तो अभी उतारे ही मास्क, तो और जो लोग हैं तो वो क्या सीखेंगे इससे, वो खुद करेंगे तो उन्होंने मास्क नहीं लगाया। बिल्कुल परमजीत, लापरवाही बहुत ज्यादा बड़ा सवाल हो जाता है, क्योंकि लगातार मामले बढ़ रहे हैं। आकाश देखिए, मामले बढ़ रहे हैं, ना सिर्फ गुरुग्राम की बात करें, पूरे प्रदेश भर में बढ़ रहे हैं, देश भर में केसेस बढ़ रहे हैं, और ऐसे में लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है हमने पिछले समय में देखा है, और ऐसे में अब जब एक बार फिर से केसेस बढ़ रहे हैं तो लोगों की जो लापरवाही है, खास तौर पर उस वक्त जब आप भीड़ में जाएं तब मास्क लगाएं, बहुत जरूरी हो जाता है। लोगों को जागरूक करने को लेकर जिला प्रशासन की ओर से, स्वास्थ्य विभाग की ओर से किसी प्रकार के क्या प्रयास किए जा रहे हैं दोबारा से? जो बिल्कुल, स्वास्थ्य जिस तरीके से कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की जो चिंता है वो भी बढ़ने लगी है, लेकिन
स्वास्थ्य विभाग ने जो है अपनी तैयारियां पूरी कर ली गई है, और जिस तरीके से अभी जनता टीवी की टीम ने गुरुग्राम में सीएमओ वीरेंद्र यादव का इंटरव्यू किया था और साफ तौर पे उनका यही कहना था कि पूरी तैयारी जो है स्वास्थ्य विभाग वो कर रहा है और कोरोना के जो मामले हैं उसकी रोकथाम के लिए लगातार प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं और लगातार मीटिंगों का जो दौर है स्वास्थ्य विभाग का वो लगातार जारी है। इससे पहले भी परसों जो है जिला टास्क फोर्स की जो है मीटिंग वो हुई थी और लगातार प्रयास जो है स्वास्थ्य विभाग अपनी तरफ से कर रहा है। चाहे बात करें सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को अवेयर करने की बात हो, क्योंकि लगातार स्वास्थ्य विभाग का ये कहना है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जब निकले तो मास्क पहन कर निकले, क्योंकि अब हालांकि सरकार ने भी ये आदेश जारी कर दिए हैं कि 100 से ज्यादा जहां पर एकत्रित लोग होंगे वहां पर मास्क लगाना अनिवार्य है। लेकिन अब आपको बता दूं कि स्कूल में भी जो है मास्क लगाना बच्चों के लिए वो अनिवार्य कर दिया गया है स्कूल और कॉलेज में, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाता है कि लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, पर ऐसे में जिला शिक्षा अधिकारी है जो उन्होंने सभी स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि अब से जो बच्चे हैं वो स्कूल में मास्क लगा कर आएंगे। तो ऐसे में स्कूल में जो टीचर्स हैं वो भी जो उनके पेरेंट्स हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप उनके बन रहे हैं उस पर जो है मैसेज के जरिए जो है उनको भेजा जा रहा है कि अब जब बच्चे स्कूल आएंगे यानी आज से ही जो है स्कूलों में मास्क अनिवार्य कर दिया गया था। जी लेकिन आकाश एक सवाल और है, चूंकि मामले बढ़ रहे हैं लोगों में कहीं ना कहीं पैनिक की स्थिति भी हो जाती है, इससे बचने के लगातार सलाह दी जाती है कि लोग घबराए नहीं अलर्ट रहें। स्वास्थ्य विभाग इन मामलों को किस तरह से देख रहा है? क्या जो मामले अभी बढ़ रहे हैं उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग चिंतित है या फिर स्थिति अभी कंट्रोल में है? स्वास्थ्य विभाग का क्या मानना है? बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग का ये कहना है कि फिलहाल जिस तरीके से लोग जो पैनिक हो जाते हैं क्योंकि जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग का ये कहना है कि पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। और जिस तरीके से जो मरीज ठीक होकर आए हैं उनका ये कहना है कि फिलहाल जब उनको पता लगा कि वो कोरोना से संक्रमित हैं, उन्हें कोई भी ऐसी परेशानी जो है वो नहीं थी, लेकिन जब वो कोरोना से ठीक हो गए उसके बाद जो है उनको परेशानी हुई, चाहे बात करें उनकी टांगों में दर्द हो या फिर सर में उनके बहुत तेज दर्द, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमित जब जो लोग हो जाते हैं उस समय हालांकि उनको कोई परेशानी होती है लेकिन बाद में उनको जो है जिस तरीके से परेशानी हो रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों का भी जो लोग ठीक हो रहे हैं उनका यही कहना है कि कोविड होने से रिकवर होने के बाद भी लोगों को काफी तरह की परेशानियां निश्चित तौर पर झेलनी पड़ रही हैं। इस बीच हमारे साथ रोहतक से हमारे सहयोगी संजय भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संजय, अगर देखा जाए दिल्ली से सटे इलाकों की अगर हम खास तौर पर बात करें, जब जब कोरोना की लहर आई है तब तब दिल्ली से सटे इलाकों में केसेस बहुत तेजी के साथ बढ़े हैं। मौजूदा वक्त में अगर हम रोहतक की बात करें, मामले किस तरह बढ़ रहे हैं और आज जो मॉकड्रिल हुई है उसमें किस तरह की तस्वीर देखने के लिए मिली है? देखिए, अब मैं आपको बताऊंगा कि पूरे प्रदेश के साथ साथ रोहतक में, पूरे प्रदेश के कई जिले जो ऐसे जिले हैं जहां पर लगातार केस बढ़ रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ जो है अगर रोहतक की बात करें, दिल्ली के सटा एरिया होने के साथ साथ जो है गुरुग्राम और दिल्ली में जो है लगभग हजारों की संख्या में यहाँ से डेली पैसेंजरी करते हैं लोग, नौकरी करते हैं कुछ जो है और बिजनेस करते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं डेली पैसेंजरी करने वाले व्यक्ति जो है संक्रमण को इधर से उधर जरूर जो है देखने को मिलता है, तो ऐसे में लगातार जो है जिले में केस बढ़ रहे हैं। पिछले दिनों की बात करें तो एक केस सामने आया था, लेकिन उसके साथ साथ 4, 6 और 8 के बाद 20-20 केस आना शुरू हो गए हैं, तो ऐसे में जो है पूरी स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो गया है और सरकार ने भी सख्त निर्देश दिए हैं कि जैसे कोरोना बढ़ रहा है उसको देखते हुए अब अलर्ट जारी किया है। और ऐसे में जो है आज पीजीआई की अगर बात करें तो पीजीआई रोहतक का एकमात्र स्वास्थ्य संस्थान है प्रदेश का, क्योंकि आसपास के प्रदेशों के मरीज भी यहां पर आते हैं, तो ऐसे में जो है पीजीआई में आज मॉक ड्रिल की गई और पिछले लेयर में जिस तरह से फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर और थर्ड लेयर में जिस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ा और कई चीजों का अभाव हुआ, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब पीजीआई प्रशासन उसको देखते हुए पूरी तरह से प्रबंध वहां पर किए गए हैं। मॉक ड्रिल के जरिए दिखाया गया था कि एक पेशेंट को कैसे अगर हम बात करें तो उसको कैसे वेंटिलेटर पर ले जाया गया, तो कहीं कहीं ना कहीं आपको जो पीजीआई का जो प्रशासन है वो पूरी तरह से जो है ये साफ तौर पर ये दिखाता नजर आ रहा है कि अब किसी प्रकार की कोई दिक्कतें जो है मरीजों को नहीं होने दी जाएगी और अब उनके पक्का प्रबंध यहाँ पर किए गए। पिछले अगर फर्स्ट लेयर की बात करें तो ऑक्सीजन की मात्रा जो है सबसे दिक्कतें सामने आई, वेंटिलेटर बेड की भी दिक्कतें आई, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब जो है पीजीआई प्रशासन ने ऑक्सीजन प्लांट जो है पीजीआई
के पास लगा दिए हैं, तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन से जो लोग जूझ रहे थे उनको वो जूझना नहीं पड़ेगा। तो जो पीजीआई के डॉक्टर है उनका साफ तौर पर यही कहना है कि वो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। लेकिन बात रही दिल्ली के सटे एरिया की, तो लगातार जिस तरह से जो है और प्रदेशों में संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसे ही जो है रोहतक में भी संक्रमण बढ़ रहा है। उसको देखते हुए अब जिला प्रशासन भी और जो है स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट हो गया है और लोगों को जो है भीड़ भाड़ वाले इलाके से बचने के लिए और कोविड की जो गाइडलाइन है उनको पूरी तरह से फॉलो करने के लिए जो है साफ तौर पर अपील की जा रही है और लोगों से कहा जा रहा है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचे। हालांकि कल ही हमने जो है स्वास्थ्य मंत्री से बात की थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम किसी के इवेंट में कोई बाधा नहीं डाल रहे जी। लेकिन कोविड से बचने के लिए बिल्कुल तो जरूरी हो चुका है, चूंकि सरकार की ओर से साफ कर दिया गया है कि 100 लोग अगर इकट्ठे होते हैं तो मास्क लगाएं, यही सबसे जरूरी हो जाता है आज के वक्त में। लेकिन सवाल यह है संजय कि आखिरकार जो लोग अभी, हालांकि स्थिति पैनिक की नहीं है चूंकि लगातार स्थिति कंट्रोल में है, मामले भी बढ़ रहे हैं लेकिन पहले के मुकाबले मामले उतने नहीं बढ़ रहे हैं, लोगों का क्या कहना है? लोग चूंकि लगातार आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, कोरोना के केसेस किस तरह बढ़ रहे हैं वो भी देख रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग की तैयारी पूरी है, स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि स्थिति कंट्रोल में भी है, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं बढ़ते कोरोना केसेस को लेकर? देखिए लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि ये अब कोरोना के साथ, क्योंकि डॉक्टर भी जो डॉक्टर की टीम है वो भी ये कहती नजर आ रही है कि अब कोरोना के साथ जीना पड़ेगा क्योंकि ये माइनर टाइप का जो है अब संक्रमण हो गया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये अपना रूप बदलता है तो कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग है हमारे साथ, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए अब ये लोग जो है आ रहे हैं उनसे बात करेंगे, जो कोविड आ रहा है उसको लेकर जो है किस तरह से आप सावधानी बरतो भाई और तके है जागरूक हम थे भीड़ भाड़ तब तो और मास्क लाओ भीड़ भाड़ वालों से। अच्छा आपको लगता है कि डर लगता है किससे? कोविड से डर लगता है? कोई डर डर नहीं। क्यों कर बस ठीक खाना पीना ठीक है हमारा, 80 साल का हो लिया मैं, खाना पीना लापरवाही नहीं करते हम खाने पीने में, हर वक्त सावधानी ठीक है ना भाई, सावधानी रखें, खाना पीना अच्छा है, इम्यूनिटी पावर ज्यादा है। देखिए कहीं ना कहीं लोगों का खाना पीना अच्छा है, इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो अच्छा है, तो उसको लेकर लोग ये साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि कोरोना के साथ अब जीना पड़ेगा, ये संक्रमण जो है बढ़ता है, कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है, तो ऐसे में अपनी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो पूरी तरह से ठीक करनी पड़ेगी और लोगों को भीड़ भाड़ वाले इलाके से बचना पड़ेगा। ये लोग जान चुके हैं क्योंकि पिछले 3 साल जो है लोगों ने ये भुगता है 3 लेयर को, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब लोग जो है पूरी तरह से जागरूक भी हो चुके हैं और लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में हम नहीं जाते, अगर जाते भी है तो मास्क लगाकर जाते हैं, कोविड के जो नियम है उनका पूरी तरह से पालन करते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब लोग भी जाग चुके हैं कि कोविड जो है महामारी खत्म होने वाली नहीं है, लेकिन ये जो है इससे बचने का उपाय जो है, जीने का उपाय जो है उन्होंने सोच लिया है और जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग जो गाइडलाइन जारी करता है उसी को फॉलो करते हुए उन्होंने अपनी दिनचर्या शुरू कर दी है। जी बिल्कुल संजय, कोरोना को लेकर सावधानी बरतने, लापरवाही ना करें यही बहुत जरूरी हो जाता है, और जिस तरह से हमने बुजुर्गों को भी सुना इम्यूनिटी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है और खानपान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है इस तरह की बीमारियों में, चूंकि लगातार हम पीछे 2-3 सालों में देख रहे हैं कोरोना को लेकर। मैं लौटूंगा आपके पास एक बार, परमजीत का भी रुख कर लेते हैं। परमजीत, वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, लोगों की इम्यूनिटी जितनी मजबूत होनी चाहिए वैक्सीनेशन का आंकड़ा भी उतना ही स्ट्रांग रहना चाहिए ताकि अगर केसेस बढ़ते भी हैं तो लोगों में सिवियरिटी ना बढ़े, ज्यादा परेशानी लोगों को ना झेलनी पड़े। अगर हम देखें वैक्सीनेशन को लेकर तो जींद जिले की तस्वीर क्या कहती है, जींद में क्या आंकड़ा, चूंकि हमने देखा कि वैक्सीनेशन का स्टॉक कहीं ना कहीं खत्म हो गया था हाल के वक्त में और लोगों को जो वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच रहे थे वो खाली हाथ लौट रहे हैं, मौजूदा वक्त की बात करें वैक्सीनेशन का क्या कुछ आंकड़ा कहता है? बिल्कुल गौतम, देखिए पहले लोग जो है वैक्सीनेशन लगवाने में इंटरेस्ट दिखा करते थे लेकिन अब तो लगवाते नहीं, जिन्होंने विदेश जाना होता है या फिर वैसे प्रमाण पत्र दिखाना होता है वो ही बूस्टर डोज लगवा रहे हैं, वरना अभी तो कोई भी जो वहां से जो लोग हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ तो कोई इंटरेस्टेड नहीं है, कोई जो है डोज नहीं लगवा रहा है। और साफ तौर पर लोगों का भी ये कहना है कि देखिए अब हरियाणा का जो खाना पीना है वो बिल्कुल स्ट्रोंग है और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, दूध भी खाते हैं तो अब क्या जरूरत है। लेकिन ये मैं आपको बताऊं गौतम, लगातार जो कोरोना के जो मामले हैं वो उछाल मार रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो है लापरवाही का ही नतीजा है और लगातार जो कोविड के केसों में इजाफा हुआ है और जींद में जो है
स्वास्थ्य विभाग के खुद कर्मचारी यहाँ के वो खुद मास्क नहीं लगाते, तो औरों को जो जागरूक कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये बात करें, जो आज मॉक ड्रिल थी, मॉक ड्रिल के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया है और लोगों को बताया गया है कि किस प्रकार से आपने कोरोना, बिल्कुल परमजीत, लगातार तैयारियों का जो जायजा है स्वास्थ्य विभाग की ओर से लिया जा रहा है और इसी के तहत आज देशव्यापी जो तैयारियां हैं परखी जा रही हैं, हॉस्पिटल्स में किस तरह के इंतजाम हैं, अगर हालात बिगड़ते हैं तो स्थिति कैसी हो सकती है, तमाम सवालों का जवाब जो है वो भी स्वास्थ्य विभाग लगातार तलाश रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही सहयोगियों का तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। आखिरकार किस तरह के ग्राउंड पर हालात बने वो आपने जाना और बहुत जरूरी है कि अगर आप भीड़ में जाएं तो मास्क जरूर लगाएं। चूंकि ये छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी।